लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी जेडीयू के ऑफिस में, और आप देख सकते हैं जो भीड़ है, वो जनसंख्या, जो नीतीश कुमार के द्वारा जो जनसंख्या कानून लागू किया गया, जनसंख्या को जो काउंटिंग करवाया गया, उसको लेकर के यहाँ पर आभार व्यक्त करने के लिए सारे लोग आए हुए। सर, आप कहाँ से हैं? सर, हम बाढ़ से हैं। बाढ़ से हैं जी। किस बात के लिए यहाँ पर आप लोग भीड़ बनाए? हम लोग अपने नेता का धन्यवाद करने आए हैं। धन्यवाद क्या? हाँ, जिन्होंने जनता का सही जो हक है उसको मिलना चाहिए, और उनकी क्या स्थिति है समाज में, उसका सुप्रकटीकरण आज हुआ है। अभी बहुत कुछ किया जाना, उनकी पार्टी इसका वो कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि ये फेक काउंटिंग हुआ है। देखिए, बात ऐसा है कि जिनके पास कोई काम उम बचा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को विपक्ष को किसी लायक नहीं छोड़े हैं, तो अब कोई काम बचा नहीं तो यही सब बोलेंगे। कौन ऐसा घर है भाई? हम लोग तो गया जिला के एकदम सुदूरवर्ती गांव से आ रहे हैं भाई, वहां भी एक बार नहीं दो दो बार लोग जनगणना करने गए। बिहार में नीतीश कुमार जब जनसंख्या काउंटिंग करवाए, इसके बाद वहां के राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहां भी जनसंख्या काउंटिंग हो, तो महत्व। अरे भैया, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भारत के मार्गदर्शक हैं, ऐसा इनका एक काम है जिसको पूरा भारत ने स्वीकार नहीं किया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक ने जब इनके कार्य को सराहा भाई, तो ये तो राज्य सरकार तो छोड़ दिए, विदेश का टीम आ रहा है यहाँ पर अध्ययन करने कि कैसे जो है यहाँ विकास हो रहा है। अब पता चलना चाहिए ना भाई कि अंडा बेचे वाला के गो है, पंचर बनावे वाला के गो है, अपना अधिकार पता चलना चाहिए। तो पता चलेगा तभी ना उनके लिए बेहतर योजना बनेगा, और उनके लिए लगातार योजना बन रहा है। अभी देखिए, गन्ना हुआ ना, दुए दिन पहले सुने कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक निदेशालय का पदाधिकारियों का एक टीम बन रहा है, जो अब उनके जनसंख्या के अनुरूप, उनके आर्थिक आवश्यकता के अनुरूप, सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप योजना बनेगा। प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं क्या? अरे क्या बात करते हैं भैया, प्रधानमंत्री बिहार का एक एक पिछड़ा अति पिछड़ा आंख फाड़ के रख लिया है कि कहना हमारे नेता करेजा फट रहा है नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। भाई जी, एक बार बनना चाहिए, एक बार नहीं, जब तक भगवान उनको जीवन देता है तब तक वो प्रधानमंत्री बने। और हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र का इच्छा जो है सो आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं भाई कि लोग का इच्छा है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का आवाज मुखर करे, तो भारत के मंच पर तो वह नेता हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार है। नीति, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या में घोटाला हुआ है। कोई घोटाला नहीं हुआ है, इस पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, सभी के घर में दो दो बार, तीन तीन बार जा करके सर्वे किया गया है, और हर एक का सामाजिक आर्थिक गणना हुआ है। इससे हर एक व्यक्ति का विकास होगा, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, आर्थिक और सामाजिक गणना से हर एक लोगों का विकास है। हम माननीय मुख्यमंत्री जो शीतकालीन बजट सत्र आ रहा है, इसमें सारे लोगों के लिए बजट लाने वाले हैं। लेकिन ये एक उदाहरण पेश किए हैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री देश को हमेशा उदाहरण पेश करते आए हैं। जब माननीय मित्र सप्त निश्चय योजना में जो जल योजना लाए थे, और भारत सरकार ने जल मंत्रालय का गठन किया और जल मंत्रालय बना, माननीय मुख्यमंत्री ने जो महिला का आरक्षण दिया, आज भारत सरकार महिला आरक्षण लाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हर एक पहल पूरे राज्य और देश कर रहा है, देश के हित में होता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का प्रधानमंत्री कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। भारत का प्रधानमंत्री कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। चलिए, कुछ महिलाएं भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे हम बात करने के लिए। औरंगाबाद जिला अध्यक्ष। अच्छा, ये जनसंख्या जो कानून लाया गया है और जनसंख्या जो काउंटिंग हुआ है, तो कुछ विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि फेक काउंटिंग हुआ, हम अपने स्तर से काउंटिंग करवाएंगे, जैसा कि बीजेपी के। देखिए, आरएसएस की जो सरकार हमारे देश में भी चल रही है, ये लोग बौखला गए हैं कि जाति आधारित जो जनगणना हुआ, इसमें किस जाति के कितने लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं, उनका आर्थिक भी जनगणना हो गया है, और इनको ये पता है कि किस किस जाति के लोग यहाँ पे हैं, और हमारे साथ कौन कौन लोग हैं इनको पता है, इसलिए इनको बौखलाहट है। और ये जान रहे हैं कि इस बार हमारा जाना तय है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे गांव में जनगणना हुआ ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे घरों को लोगों ने टच किया है। हमारे जो है कई शिक्षा कर्मी इसमें हजारों की संख्या में काम कर रहे थे, और उन लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। एक घर में जाकर के अगर वहाँ दो तीन परिवार अलग भी बढ़ करके हुए हैं,
तो उनका भी पूरा डिटेल लिया गया है, फॉर्मेट में लोगों से हस्ताक्षर करवा करके प्रकाशित किया गया है। नहीं नहीं इससे कोई बात नहीं, भीड़ में एकाक लोग छूट गए हो अलग बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि हमारे संज्ञान में लाया जाए, हम उसका जांच कराएंगे। लाया जाए। एक सवाल आपसे है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी काम करते हैं, जिस तरह से बिहार को उदाहरण देते हैं, तो भारत के लिए उदाहरण बन जाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि जनसंख्या की बात करें तो लोग राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बहाल कर रहे हैं कि हम काउंटिंग करवाएंगे, चाहे महिला आरक्षण की बात हो। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 प्रधानमंत्री के रूप में होना चाहिए? देखिए माननीय मुख्यमंत्री अभी प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है, उनका काम है विपक्ष को एकजुट करना और एकजुट करने में उन्होंने लगे हुए हैं। चलिए यहाँ पे आप जेडीयू कार्यालय में देख सकते हैं, यहाँ पर जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं, और उनका कहना है कि यहाँ के लोग मुख्यमंत्री जो हैं जो भी काम करते हैं वो भारत के लिए उदाहरण बन जाता है। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, जल योजना को लेकर के या महिला आरक्षण को लेकर के हो, चाहे जनसंख्या काउंटिंग को लेकर के, पूरे भारत में हर स्टेट के मुख्यमंत्री अब चाह रहे हैं कि हर स्टेट का जनसंख्या काउंटिंग हो, जो कि इससे पता चल सके कि जो जिस जाति की जितनी जनसंख्या है कितने पिछड़े हैं और उनके जनसंख्या के आधार पर उनको अधिकार मिले। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।